नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही चमत्कारिक उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। कुछ सनातन धर्म के प्राचीन रहस्यों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो है एक ऐसे दिव्य चमत्कारिक पौधे के बारे में है जिसके चमत्कारिक गुण अगर चमत्कारिक टोटके आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। ध्यान से देखिए, ये जो पौधा है बड़े ही आसानी से हमें मिल जाता है। हमारे घर के आसपास ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण हम इस पौधे का लाभ नहीं उठा पाते। हमने कभी भी इस पौधे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। अगर आप इसके गुण जान लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये अमृत तुल्य है। प्राचीन समय की अगर बात करें तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमारे प्राचीन लोग, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ऐसा मानते थे कि कुछ अमृत की बूंदें जो हैं इस पौधे पर गिर गई थी, इस पौधे की जड़ पर गिर गई थी। देवराज इंद्र ने सर्पों से अमृत चुरा करके, सर्पों से अमृत को बचाने के लिए जब वो ले जा रहे थे तब उस समय अमृत की कुछ बूंदें इस पेड़ की जड़ पर गिर पड़ी थी, इसीलिए इस पौधे की जड़ पर अमृत पाया जाता है। ये भी माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती सहित समस्त तीर्थधाम इसके जड़ पर बसते हैं। इसलिए आज भी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर जो भी प्राचीन समय के जो बुजुर्ग हैं ऐसे लोग आज भी इनके जड़ का दातुन करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि इसके जड़ का 6 महीने तक अगर आप दातुन कर लेते हैं तो आप वाक शुद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, जो भी आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, आपका जीवन जो है, आपका शरीर जो है वो सुखमय बन जाता है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम इसका नाम जान लेते हैं। इस पौधे को कई जगह लठ जीरा के नाम से भी जाना जाता है, चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह अपमाला के नाम से भी ये जाना जाता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, भगवान शिव में आपकी आस्था है, आप सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो धन को आकर्षित करता है, आपके घर में धन को बढ़ाता है। देखिए, सबसे पहला उपाय, जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी पैसे आप लगा चुके हैं, कई डॉक्टरों का इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टर आपका चेकअप सही से नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं लेकिन आपको सही सलाह नहीं देते हैं, तो आपको बहुत ही आसान सा ये उपाय करना है। ये जो उपाय करने से आपको उत्तम स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ जो संतान आप चाहते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपको क्या करना है, लठ जीरा नाम के ये जो पौधा है, चिड़चिड़ा नाम से भी ये जो जाना जाता है, जिसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पौधे की जड़ आपको लेना है। सफ़ेद कलर के अपामार्ग पौधे की जड़ लेना है। कम से कम 100 से 200 ग्राम आप जड़ लेकर के आना। बहुत ध्यान से समझना, इसको धूप में रखना। धूप में रखोगे तो ये सूख जाएगी, ठीक है। सूख जाने के बाद इसको क्या करना है, आपको पीस लेना है, बिल्कुल इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। देखिए, अब इस पाउडर को आपको ग्रहण करना है। कैसे करेंगे, महिलाओं को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ आपको थोड़ा सा, आधा चम्मच या 1 चम्मच आपको दूध के अंदर मिला देना है और इसे ग्रहण करवाना है। इसे सुबह और शाम दोनों टाइम ग्रहण करवाना है। और ध्यान रखना, और जो दूध होगा वो कौन सी गाय का लेना है, विशेष इस बात का ध्यान रखना, 2 महीने तक लगातार आपको पीना है, लेकिन कपिला गाय का दूध ही आपको लेना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, कपिला गाय का दूध अगर आप लेते हैं और उसके अंदर ये पाउडर आप डालते हैं और उसके बाद ग्रहण करते हैं, इससे आपके जीवन में उत्तम सुख, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति आपको होती है। जो भी आप मन में धारेंगे वो आपको हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर इतने गुण होते हैं, इतना ये चमत्कारिक पौधा है, सही से इस्तेमाल करोगे तो सही से आपको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल विधि पूर्वक करना पड़ेगा। बिल्कुल कपिला गाय जो होती है वही, उसके जो सिंह होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, ध्यान रखना, ऐसी गाय का ही आपको दूध लेना है, ठीक है। देखिए, दूसरा उपाय जो कि आपको रविवार के पुष्य नक्षत्र पर करना है, यानी कि जब भी रविवार आएगा, जब भी उस दिन पुष्य नक्षत्र आएगा, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। साल में 2-3 बार रविवार का पुष्य नक्षत्र पड़ जाते हैं तो ऐसे दिन, किसी भी एक दिन आप ये कर सकते हैं। किसी को भी अगर आपको वश में करना हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जड़ आपको लेकर के आनी है, इसकी जड़ को पीस लेना है और इसकी जड़ का आपको तिलक बनाना है। रविवार के दिन ही आपको जड़ निकालनी है जिस दिन पुष्य नक्षत्र है, और उस जड़ को पीस करके आपको पाउडर के फॉर्म में उसे तैयार कर लेना है और उसके बाद इसका तिलक लगाना है।
जब भी किसी भी व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं उसके पहले आपको इसका तिलक आपको ग्रहण करना है। जिसे आप इसका तिलक ग्रहण करेंगे और उस व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। आप जो भी बात बोलेंगे वो आपकी सारी बात मान लेगा। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, किसी भी गलत कार्य के लिए आप इसका इस्तेमाल मत करना। यदि आप किसी भी गलत कार्य के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत पाप लगता है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तभी ये उपाय करना। हम इसकी सलाह आपको गलत कार्य के लिए नहीं देते हैं। देखिए तीसरा उपाय, बहुत सारे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जिनको आधी रात में भूरे सपने आते हैं, नींद खुल जाती है, नींद ढंग से नहीं आ पाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही अचूक उपाय करना है। इसकी जो जड़ है, कि जड़ आपको निकाल करके आपको तकिए के नीचे रख देनी है। जब भी आप सोएंगे तो तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। इससे आपको भूरे सपने नहीं आते, आपकी नींद नहीं टूटती। ये देवी स्वरूप है, ये कोई साधारण सा पौधा नहीं है, ये साधारण सी जड़ नहीं है। इसे आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि ये तो कुछ तो भी है। ध्यान रखना, अमृत की बूंदे इस पर पड़ी हुई है, इसीलिए ये बहुत ही पूजनीय है। चलिए जानते हैं कि इसकी जड़ से आप धन प्राप्ति के कैसे कैसे उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय केवल और केवल कब करेंगे धन प्राप्ति के लिए? रविवार की पुष्य नक्षत्र हो, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग हो, या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ हो योग हो, या साथ ही साथ कोई भी शुभ दिन हो, कृतिका नक्षत्र हो, साथ ही साथ गुरु पुष्य नक्षत्र हो, होली हो, दीपावली हो, या कोई भी पूर्णिमा हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इस दिन भी ये उपाय किया जा सकता है। देखिए क्या करना है, इसकी आपको जड़ लेना है, बहुत ध्यान से समझना। जड़ के साथ में लेना है चांदी का ताबीज। देखिए धन प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। चांदी की छोटी डिब्बी भी ले सकते हैं या चांदी का ताबीज भी ले सकते हैं। चांदी की डिब्बी लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए चांदी की डिब्बी के अंदर आपको इसकी जड़ रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जड़ रखने के बाद इसके साथ में आपको 5 कोड़ी रखना है, ठीक है। कोड़ी आती है ना, जो लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज होती है, लक्ष्मी कारक चीज होती है कोड़ी, और कोड़ी के साथ में आपको 5 कमल गट्टे रखना है, ठीक है। कमल गट्टे रखना है, 5 कोड़ी रखनी है, साथ में इसकी जड़ रखनी है, और उसके सामने आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है, और उसके बाद महालक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 108 बार जाप करना। उसके बाद क्या करना, धूप भी आपको लगानी है। उसके बाद ये तीनों चीज़ों को आपको धूप के ऊपर घुमा करके आपको आपके घर में शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है। तो ये जो चीज है, ये तीनों चीज आपको आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर रख देनी है। देखिए बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए ये लक्ष्मी को खींचने का काम करती है, बिल्कुल आपके घर में लक्ष्मी जी खींची चली आएगी, धन दौलत प्रदान करेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ये थे इस जड़ के कुछ अचूक उपाय। ये जड़ के उपाय विशेष ध्यान रखना, जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आप इन उपायों को करना। आप आपके मन से कुछ भी गलत जोड़ना मत, कोई भी गलत समय पर ये उपाय मत करना। जो समय हमने बताया है, जिस स्थिति पर हमने करने को आपको बताया है, उसी समय आपको करना है, तो ही आपको लाभ होगा। देखो कोई सी भी चीज़, कोई सी भी क्रिया अगर आप कर रहे हैं तो विशेष कामनाओं के लिए कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि परिपूर्ण हो जाए, तो बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना, उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। देखिए ऐसे ही चमत्कारिक प्राचीन रहस्यों के बारे में जानने के लिए सनातन ज्ञान के इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जीवन भी धन्य बन सके। धन्यवाद।